हेलो दोस्तों, और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है, और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि C++ की प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइलर कहाँ से ढूंढा जाए। मेरे ट्यूटोरियल्स में हम C++ की कंपाइलिंग डेव C++ IDE में करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको डेव C++ कहाँ मिलेगा। सबसे आसान तरीका, जैसे कि हम तभी करते हैं, गूगल में जाएं और गूगल में सर्च करें ब्लडशेड। ये वो कंपनी है जो डेव C++ की आईडी बनाती है। हम ब्लडशेड में सर्च किया, यहाँ आप देख सकते हैं ब्लडशेड सॉफ्टवेयर, यहाँ डेव C++ है। आप डेव C++ में भी जा सकते हैं या डायरेक्ट डाउनलोड में। अपन जाते हैं डेव C++ में। हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं ब्लडशेड सॉफ्टवेयर साइट खुल चुकी है, और इसके मैं डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ। इसके आप देख सकते हैं डेव C++5 करेंटली बीटा, आप ये वाला वर्जन भी यूज कर सकते हैं, और या फिर आप जो कि पहले से ही इसका काफी टाइम से यूज हो रहा है डेव C++4, ये दोनों ही यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो कि अभी लेटेस्ट है इसमें डेव C++5, फिलहाल तो वैसे बीटा स्टेज में, लेकिन हम इसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन है गो टू डाउनलोड पेज, हम इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स है, फीचर लिस्ट, डोनेशन, और यहाँ डाउनलोड फ्रॉम सोर्स कोड। तो आप इस पे क्लिक करके सोर्स कोड साइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, 9.0 MB का एक है, आप इसे ही डाउनलोड करें। ये फुल फीचर्ड आईडी है और काफी आसान है इसमें प्रोग्रामिंग करना। तो आप देख सकते हैं सोर्स कोड खुल गई है, और योर डेव C++ डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। तो मेरा इंटरनेट तो शायद स्लो है, थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, और यहीं से आपको भी इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो डेव C++ कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे मैं डेव C++ रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं पहली चीज जो है आई है वो है टिप ऑफ द डे, जो कि काफी यूजफुल होती है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और आप देख सकते हैं ऐसी होती है डेव C++ की आईडी। इसमें फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, प्रोजेक्ट और काफी सारे वेल फीचर्ड ऑप्शंस रहते हैं। तो आप मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जरूर आए, उसको जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि वहीं से हमारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग चालू होगी।